मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था एक सिस्टर की। कोई किसी तरह भी भगती कर सकता है, इहदे कोई बंदिश नहीं है कि असीं टप के ना करिए जां असीं लेट के ना करिए। इह साडी इक मन दी शरधा वा, असीं किसी तरह भी कर सकते हैं, सानूं कोई बंदिश नहीं है। 25 साल पहलां असीं मसीह विरोधी सी, इसे तरह जिस तरह सिख विरोध कर रहे हैं इस वेले। असीं RSS दे विचों खास साडा परिवार सीगा। 3 दिन की कन्वेंशन हो रही सी इत्थे बस्ती गुजां दे विच जलंधर दे विच। साडे परिवार ने टेंटां नूं अग लगाई सी, 150 मुंडा नाल लै के, और उत्थों दे कुर्सियां नूं तोड़िया, लोकां नूं मारिया कुट्टिया, पास्टर नूं फड़ के असीं कुट्टिया, गंदियां गालां कढ़दे, ही लाइटां तोड़ दित्तियां। उत्थे कन्वेंशन नहीं सी होण दित्ती, पर उस तों बाद मेरे जीवन दी जिहड़ी शांति उहना खतम हो गई सी। सारे पासे असीं डाउन 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 कि शायद मैं इह गुनाह कर लिया। बहुत वड्डा काफी समें बाद 1.5 साल मैं बैड दे उत्ते जुड़ी रही। 1.5 साल बाद मेरे मन विच आया कि शायद मैं इह कम कीता सी साडे परिवार ने, ते तां ही मेरे मन दी शांति जिहड़ी उह खतम हो गई आ। जदों इस गल नूं सोच के माफ़ी मंगी है रब दे चरणां दे विच आ के, पर परमेश्वर दे चरणां दे विच सारा उह आनंद मैनूं मिलिया जिहड़ा जीवन दे विच जिस आनंद नूं मैं भालदी सी। वो बोल रही थी कि हमने मसीह का बहुत विरोध किया। बोले क्या किया? उस सिस्टर ने मसीह का बहुत विरोध किया। समझ आ रही हो? तो आर जो क्या बोलते हैं, RSS, RSS वो उस धर्म से, उस चीज से बिलोंग करती थी वो सिस्टर। उसने कहा, वो जलंधर की थी, उसने कहा हमारे एक एरिए का नाम ले रही थी कि यहाँ पे संगति हुई और हमारे हम लोगों ने मिलकर कम से कम हम 200-150 लोग थे। हमने वहाँ पे लाठी चार्ज किया, उनकी सब टेंट फाड़ दिया, सारी उनकी लाइट्स लुइट्स सब तोड़ दी हमने। पर उसने कहा कि जिस दिन से ये हमने काम किया, मेरा सारा कुछ ढोन हो गया, मेरी शांति जाती रही और आज मैं प्रभु में हूं। उसने मुझे शांति दी और उसने मेरे जीवन को बदलाया। वो गवाही बता रही थी, उसने मेरे जीवन को बदलाया, क्योंकि जो लोग नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि परख कर देखो, यहोवा भला है, चेक कर देखो। अरे वो तो खुद कितना सामर्थ्य है जो एक शब्द से इस कांच को बना सकता है। ये कितना बड़ा कांच है, इसके नीचे कोई थंब पिलर नहीं है, किसकी सामर्थ्य से खड़ा है जो इतना बड़ा कांच बना सकता है। वो अपने वचन में कह रहा है कि मेरी चाहत है। कैसे कह रहा है? वो अपने पवित्र वचन में ऐसे बात कर रहा है कि मेरी चाहत है सब मनुष्य बचाए जाए। क्या परमेश्वर निर्बल है, कमजोर है, जो एक शब्द से इस कांच को बना सकता है, पृथ्वी को, इस दुनिया को बना सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? पर वो नियम का परमेश्वर है और वो चाहत कर रहा है, और उसी परमेश्वर की चाहत ने आज लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया है। मैंने कहा उसी परमेश्वर की चाहत ने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदल डाला है, और आज भी वो उस चाहत में है। परमेश्वर वो धक्के का परमेश्वर नहीं है। जो लोग कहते हैं इतने लाख देंगे, तुम भी ये काम करके दिखाओ, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो नियमों का परमेश्वर है। आमीन।